होस्ट मनीष भारती। आज हम पढ़ने वाले हैं 10th के फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, यानी प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि लाइट को फिजिक्स के जिस पार्ट में पढ़ा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑप्टिक्स। उसे हम क्या कहते हैं, ऑप्टिक्स, यानी प्रकाशिकी, यानी हम क्या कहेंगे, प्रकाशिकी। यानी लाइट को फिजिक्स के जिस पार्ट में पढ़ेंगे उसको हम क्या कहते हैं, प्रकाशिकी। प्रकाश, सबसे पहले हम लाइट के बारे में जान लेते हैं कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। जिसके सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। यानी प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसके हेल्प से हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। जैसे मान लीजिए टेबल पर रखा एक पेन है, उसको देखना है। यदि लाइट नहीं है, क्या हम उस पेन को देख पाएंगे? नहीं। यानी लाइट क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा का फॉर्म है, जिसके हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो आप लाइट के बारे में समझ गए। अब चलिए समझते हैं इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। प्रकाश का गुण क्या क्या होता है। प्रकाश का गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, पहला नंबर, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। यानी प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। यानी प्रकाश हमेशा कहाँ चलती है, कैसे, सीधी रेखा में। जैसे ऐसे 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 नहीं, हमेशा सीधी लाइन में, एकदम स्ट्रेट लाइन। जैसे लाइट ऐसे 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 कभी नहीं, हमेशा इन दी स्ट्रेट लाइन। प्रकाश हमेशा कैसे चलती है, सीधी रेखा में। उसके बाद सेकेंड नंबर, प्रकाश का निर्वात अथवा वायु में चाल। प्रकाश का निर्वात या वायु में चाल कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी लगभग। यानी प्रकाश का स्पीड हवा या निर्वात में कितना होता है, 3 × 10⁸ यानी प्रकाश जो है निर्वात या हवा में किस स्पीड से चलती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी हम इसको बोल सकते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। उसके बाद सेकेंड नंबर प्रकाश की चाल पानी में एवं कांच में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। यानी हमें क्या समझना है, ये इम्पोर्टेंस है। बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी हम जिसको बोल सकते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। और यदि हमें पूछ दिया जाए कि अरे भाई पानी में कितनी होती है, तो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एवं कांच में कितनी होती है, तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए आगे लिखते हैं अगला प्रॉपर्टीज। आगे की कॉन्सेप्ट समझते हैं। प्रकाश कण एवं तरंग दोनों की भांति व्यवहार करता है। यानी प्रकाश क्या होता है, पार्टिकल और वेव दोनों नेचर रखता है। प्रकाश कभी कण तो कभी तरंग, ऐसे ऐसे मतलब फॉर्म में होते हैं। पहले ऐसा माना जाता था कि प्रकाश क्या है, एक प्रकार की तरंग है, लेकिन प्रकाश का एक प्रॉपर्टीज होता है विवर्तन। जब से विवर्तन की घटना आई तब से लगने लगा वो प्रकाश क्या है, तरंग नहीं, क्या है, कण है। तो कभी प्रकाश कण तो कभी तरंग दोनों की तरह शो करता है। यानी इस प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं प्रकाश का द्वैत, प्रकाश का द्वैत प्रकृति, यानी डुअल नेचर, जिसको हम क्या बोलते हैं, डुअल नेचर। यानी प्रकाश कैसी होती है, डुअल नेचर की, यानी कभी कण तो कभी तरंग, यानी कभी वेव तो कभी पार्टिकल्स। 5वां नंबर, प्रकाश में परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण आदि का गुण पाया जाता है। यानी प्रकाश में क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, विवर्तन होता है, व्यतिकरण, ध्रुवण, ये सारे प्रॉपर्टीज शो करते हैं लाइट। लेकिन हम 10th के सिलेबस में बस परावर्तन और अपवर्तन को ही पढ़ेंगे, ये सब आगे पढ़ेंगे। जैसे विवर्तन हुआ, व्यतिकरण हुआ, पोलराइजेशन यानी ध्रुवण हुआ, इस सब को हम आगे की कॉन्सेप्ट में डील करेंगे। उसके बाद प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। यानी प्रकाश क्या है, प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, यानी जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पाया जाता है। एक तरफ मान लीजिए इसमें 3 एक्सिस होते हैं, एक्स, वाई और जेड। यदि मान लेते हैं एक्स, वाई और जेड, कहीं पर हम लिख लिए। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स पर हो तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, वाई पर। और लाइट की जो मोशन होगा, लाइट की स्पीड किस डायरेक्शन में होगी, जेड एक्सिस के अलोंग। बात समझ गए। यानी प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुम्बकीय तरंग है, जिसमें तीनों मतलब पार्ट जो होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड यदि एक्स पर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड वाई पर, और प्रकाश की जो गति होगी जेड एक्सिस के अलोंग होगी। अभी हमने बात करी थी कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, तो हम बात करते हैं जब लाइट एक प्रकार की ऊर्जा है, यानी प्रकाश में ऊर्जा है, तो आखिर उस ऊर्जा की जो मैग्नीट्यूड है कितनी होती है, ऊर्जा की मात्रा क्या होती है। तो मान लेते हैं यदि लाइट के पास एनर्जी कितनी हो, ई हो, लाइट के पास एनर्जी कितनी हो, ई, तो ई बराबर एच न्यू। ई बराबर क्या होता है, एच न्यू, जहां जहां न्यू प्रकाश की आवृत्ति एवं एच प्लांक नियतांक है। यानी यदि लाइट की फ्रीक्वेंसी न्यू हो तो उसके पास एनर्जी कितना होगा E इक्वल्स एच न्यू, यानी E बराबर एच न्यू, जहाँ एच क्या है, एच है प्लांट कांस्टेंट, यानी इसका वैल्यू कितना होता है 6.6 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड। प्लांट कांस्टेंट का वैल्यू कितना 6.6×10⁻34 जूल सेकेंड। और एस तो आप समझ गए प्रकाश की क्या है, फ्रिक्वेंसी है, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं या E समानुपाती न्यू, E समानुपाती न्यू। ये जो कॉन्सेप्ट है VVI है, कभी कभी पूछा जाता है प्रकाश की ऊर्जा किसके समानुपाती होता है, आवृत्ति का, तरंगदैर्घ्य का, या कोणीय संवेग, मतलब मान लीजिए किसी भी प्रकार का मोमेंटम का, जो भी हो, तो इसमें क्या होगा उसके आवृत्ति का समानुपाती होता है। तो हमें ध्यान रखना है कि प्रकाश की जो ऊर्जा होती है उसके आवृत्ति का समानुपाती होता है। चलिए उसके बाद समझते हैं कि जो ऊर्जा होती है किस फॉर्म में होती है, कैसी होती है। तो ये जो ऊर्जा होती है लाइट में पॉकेट के रूप में निकलती है। जैसे मान लो यदि लाइट के पास एनर्जी हो तो पॉकेट के रूप में रिलीज करती है, पॉकेट के रूप में ऐसे ऐसे। और इस पॉकेट को हम क्या कहते हैं, क्वांटा। इस पॉकेट को क्या कहते हैं, क्वांटा, या इसको हम बोल सकते हैं फोटॉन्स, या हम इसको क्या बोलते हैं, फोटॉन्स। यानी लाइट में जो एनर्जी होती है, एनर्जी कब होगी, अरे भाई जब क्या होगा पार्टिकल फॉर्म में होगा, या मान लो वेव फॉर्म भी है, कुछ में भी हो, लेकिन इसके पास एनर्जी है। और यह जो एनर्जी होगा किस फॉर्म में, क्वांटा के रूप में, यानी पॉकेट के रूप में होता है। और इस पॉकेट को हम क्या बोल सकते हैं, फोटॉन्स। अब हम कुछ डिफिनेशन को देख लेते हैं। चलिए जैसे हम बात करते हैं आत्म दीप्त, या इसको हम बोल सकते हैं दीप्त पदार्थ, आत्मदीप्त या दीप्त पदार्थ। तो आत्मदीप्त या दीप्त पदार्थ किसको कहेंगे, तो ऐसा पदार्थ जिसमें प्रकाश उत्पन्न करने की प्रवृत्ति हो उसे हम क्या कहते हैं, आत्मदीप्त या दीप्त पदार्थ। जैसे विद्युत बल्ब, सूर्य, मान लो मोमबत्ती है जो कैंडल, उसमें लाइट होता है जलाने पर, ऐसे भी जैसे टॉर्च, यानी जो भी पदार्थ लाइट क्रिएट कर सकता है उसको हम क्या कहेंगे, आत्मदीप्त या दीप्त पदार्थ। तो ऐसे पदार्थ जो प्रकाश उत्पन्न करता हो उसे दीप्त पदार्थ कहते हैं। यानी वैसे पदार्थ जो प्रकाश उत्पन्न करता हो उसे हम क्या कहेंगे, दीप्त पदार्थ। जैसे सूर्य, बल्ब, दिया, टॉर्च आदि। तो समझ गए दीप्त पदार्थ हम किसको कहेंगे, इसको कहते हैं सेल्फ ल्यूमिनियस, यानी वैसे पदार्थ जो प्रकाश उत्पन्न करने की प्रवृत्ति रखता हो उसे हम क्या कहेंगे, दीप्त पदार्थ। जैसे सूर्य, बल्ब, दिया, टॉर्च आदि, ये सारे क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को रिलीज करते हैं। उसके बाद जस्ट इसका उल्टा है अदीप्त पदार्थ। बस कुछ नहीं, इसमें बस इसका उल्टा है, यानी इसमें लाइट रिलीज कर रहा था तो इसमें लाइट रिलीज नहीं करेगा। यानी वैसे पदार्थ जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है उसे अदीप्त पदार्थ कहते हैं। यानी वैसे पदार्थ जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करता हो उसे हम क्या कहेंगे, अदीप्त पदार्थ। तो फ्रेंड्स आप लोग समझ गए होंगे कि दीप्त पदार्थ यानी वैसे पदार्थ जो लाइट रिलीज करे, जो लाइट रिलीज करे उसे हम क्या कहेंगे, दीप्त पदार्थ। उसके बाद अदीप्त जस्ट उसका उल्टा है, यानी जो लाइट रिलीज नहीं करे, जो लाइट रिलीज बोलो साथ में जो लाइट रिलीज नहीं करे यानी जिससे प्रकाश उत्पन्न नहीं हो उसे हम क्या कहेंगे, अदीप्त पदार्थ। जैसे चांद, टेबल, बेंच आदि। जैसे चांद, टेबल, बेंच आदि। अब ये प्रश्न आ गया हमारे पास, हम रात को देखते हैं क्या चांद से रोशनी आती है, क्या वो दीप्त पदार्थ है? हम देख रहे हैं उससे लाइट रिलीज हो रही है, लेकिन कहेंगे सर आप तो इसको अदीप्त में रखें, तो ये कैसा? तो कुछ नहीं यार, फंडा क्या है, लाइट सन से निकलती है और चांद पर जाके पड़ती है और वहां से लाइट टकरा के हमको नीचे दिखाई पड़ती है, हमको ऐसा लगता है कि रोशनी कहाँ से आ रही है, चांद से आ रही है। लेकिन सच में क्या रोशनी चांद से निकल रही है? नहीं यार, वो तो खुद दूसरे से ले रहा। जैसे कॉन्सेप्ट को यहाँ समझ लेते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास सन है और ये हमारे पास मून है, ये क्या है, सन और ये मून। तो इससे लाइट निकली और यहाँ से टकरा के हमारे आंखों तक पहुंची, हमको क्या लगेगा, यार जो लाइट आ रही है, रोशनी आ रही है, कहाँ से आ रही है, चांद से आ रही है। हम क्या कहेंगे, यार रोशनी चांद से आ रही है, यानी चांद क्या हुआ, दीप्त पदार्थ। लेकिन वास्तव में क्या रोशनी चांद से आ रही है? नहीं, वो उस पर पड़ता है सूर्य का प्रकाश और टकरा के हमारे आंख तक पहुंचती है, इसलिए क्या हो गया, चांद एक प्रकार का अदीप्त पदार्थ हो गया। चलिए कुछ और डिफिनेशन देख लेते हैं। जैसे किरण, जैसे किरण हुआ, यानी इसको क्या बोलते हैं, रे। तो किरण किसको कहेंगे, तो प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहते हैं, यानी प्रकाश जिस वे पर चलती है, जैसे चलती है उसको क्या कहेंगे, किरण कहेंगे, उसको क्या कहते हैं, किरण। यानी प्रकाश के चलने के दिशा पथ को किरण कहते हैं, यानी प्रकाश जिस वे में चलती है उसको हम क्या कहेंगे, किरण यानी रे। इसे तीर चिन्ह द्वारा सूचित किया जाता है, यानी हम किरण को कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे। इसको बोलते हैं क्या, बोलते हैं टेल यानी पूंछ, इसको क्या बोलते हैं, हेड यानी सिर। तो सिर जिस तरफ हो लाइट की डायरेक्शन उधर होगी। जैसे मान लो सिर ऊपर है तो हम क्या समझेंगे, प्रकाश कहाँ जा रहा है, नीचे से ऊपर। जैसे सिर नीचे है तो हम क्या समझेंगे, लाइट कहाँ जा रही है, ऊपर से नीचे। जैसे सिर क्या हो, इधर हो, किरण की डायरेक्शन क्या हो, इधर हो, तो क्या होगा, लाइट इधर से इधर आ रही है। ये नहीं समझ रहे ना कि ऐसे है तो लाइट इधर से इधर जाएगी, तो समझ गया। चलिए किरण, उसके बाद समझते हैं किरण पुंज या प्रकाश पुंज। किरण पुंज या प्रकाश पुंज, रे बीम। चलिए किरण पुंज या प्रकाश पुंज, जब बहुत सारे किरण 1 2 3 4 जब बहुत सारे किरण एक साथ चले उसको हम क्या कहेंगे, किरण पुंज या प्रकाश पुंज। यानी बोल सकते हैं किरणों के समूह को क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज या किरण पुंज। तो किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज या प्रकाश पुंज। कैसे? मान लो एक रे, दो, तीन, चार हो, पांच हो, बहुत सारे और नीचे तक हो सकता है, इसको हम क्या बोलेंगे? किरण पुंज या प्रकाश पुंज। यानी यहाँ पर क्या है? किरण का समूह है, इसको क्या बोलेंगे? किरण पुंज या प्रकाश पुंज। अब बोल रहे क्या ऐसे नहीं हो सकता है, अरे यार ऐसे भी हो सकता है, किधर भी बना दो क्या होगा? रे बीम। यानी प्रकाश पुंज या किरण पुंज। अब इसका प्रकार देख लेते हैं। प्रकाश पुंज के प्रकार, प्रकाश पुंज के प्रकार, यानी प्रकाश पुंज के प्रकार कितने होते हैं? तो प्रकाश पुंज या 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन? पहला मान लो ए, समांतर प्रकाश पुंज, दूसरा अभिसारी प्रकाश पुंज, और सी में इसको बी लिख लेते हैं, और यहाँ पर सी में अपसारी प्रकाश पुंज। यानी प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं? समांतर प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज और अपसारी प्रकाश पुंज। यानी रेबिम कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन? समांतर, अभिसारी और अपसारी। अब तीनों के बारे में समझते हैं। समांतर क्या होती है? यानी प्रकाश पुंज में जितने भी किरण हैं सभी एक दूसरे के क्या होंगे? पैरेलल होंगे, यानी समांतर होंगे। ये जैसे यहाँ पर क्या है, सभी एक दूसरे के रेज क्या है? समांतर है। यानी इसको हम क्या कहेंगे? समांतर प्रकाश पुंज। यानी वैसे प्रकाश पुंज जिसमें सभी किरण क्या हो? एक दूसरे के समांतर हो, उसको क्या कहेंगे? समांतर प्रकाश पुंज। उसके बाद अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी कुछ नहीं, वैसे प्रकाश पुंज जिसमें किरण क्या हो? अलग अलग बिंदुओं से आकर एक जगह अभिसरित हो, यानी एक जगह जमा हो। अभिसारी का अर्थ होता है जमा होना, यानी एक जगह जमा होना। जैसे ए, ऐसे 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 ऐसे। चलिए इसको ठीक से बना लेते हैं। ऐसे यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? अलग अलग जगहों से प्रकाश की किरण आ रही है, लेकिन सभी क्या हो रहे हैं? एक पॉइंट पर जमा हो रहे हैं, एक बिंदु पर जमा हो रहे हैं। इसको हम क्या कहेंगे? अभिसारी प्रकाश पुंज। यानी अभिसारी का मतलब क्या होता है? एक बिंदु पर जमा होना। उसके बाद ये तो आसान ही है, आप समझ गए होंगे। इसमें क्या होगा? इसमें समांतर, इसमें एक जगह जमा हो रहा है, इसमें क्या होगा? एक जगह से अलग अलग फैलेगा। तो डिफिनेट हम इसको कैसे बना सकते हैं? ऐसे इधर एरो की डायरेक्शन, इधर इधर। यानी इसमें क्या हो रहा है? जब प्रकाश पुंज एक बिंदु से निकलकर अलग अलग जगहों पर फैले, उसको हम क्या कहेंगे? अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी का मतलब होता है फैलना। इसको ध्यान में रखना है, ये फंडा साथ नहीं छोड़ने वाला है। आगे जब लेंस पढ़ेंगे उसमें भी आएगा, अभिसारी लेंस और अपसारी लेंस। तो इसका मतलब समझना होगा। अभिसारी मतलब एक पॉइंट पर मिलना, जमा होना, और अपसारी मतलब एक पॉइंट से अलग अलग फैलना। तो प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला कौन? समांतर प्रकाश पुंज, यानी जिसमें क्या हो? वैसे प्रकाश पुंज जिसमें सभी किरण एक दूसरे के समांतर हो, उसको क्या कहेंगे हम? समांतर प्रकाश पुंज। उसके बाद अभिसारी प्रकाश पुंज, वैसे प्रकाश पुंज जिसमें किरणें अलग अलग जगहों से आकर एक बिंदु पर जमा हो यानी मिले, उसको क्या कहेंगे हम अभिसारी प्रकाश पुंज। उसके बाद तीसरा अपसारी प्रकाश पुंज यानी वैसे प्रकाश पुंज जिसमें किरणें क्या हो एक बिंदु से निकलकर अलग अलग जगहों पर फैले, उसको क्या कहेंगे हम अपसारी प्रकाश पुंज। अब हम कुछ और डिफिनेशन को देख लेते हैं, जैसे बहुत बार आ जाता है पारदर्शी क्या है। अब हम समझेंगे पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी के बारे में। तो ये सभी आप 8 या 7 क्लास में पढ़े होंगे, बट हम फिर से यहाँ पर बता देना चाहते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे पारदर्शी पदार्थ यानी ऐसे पदार्थ जिससे प्रकाश की किरण आसानी से आर पार हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे पारदर्शी पदार्थ। जैसे कांच हो और क्या होती है हवा हो, ये सारे क्या है पारदर्शी पदार्थ है। इसमें जैसे मान लो कांच है, उसमें हम लाइट देते हैं तो इस पार से उस पार चला जाता है। जैसे हवा है, हवा भी क्या हो एक प्रकार की पारदर्शी पदार्थ है, यानी वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश की किरण आसानी से आर पार हो जाए, पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। जैसे बोलो जैसे क्या होगा हवा, कांच आदि, यानी वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश की किरण क्या हो आसानी से आर पार हो जाए, इधर से दिए और उस तरफ मिल जाए, वह क्या होगा पारदर्शी पदार्थ। उसके बाद अपारदर्शी पदार्थ जस्ट इसका उल्टा है, यानी वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश की किरण आसानी से आर पार नहीं हो, यानी हम साफ बोल सकते हैं जिससे प्रकाश की किरण इस पार से उस तरफ नहीं गुजरे, इसे हम क्या कहेंगे अपारदर्शी पदार्थ। यानी वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश की किरण आर पार नहीं हो, अपारदर्शी पदार्थ कहलाता है। जैसे बेंच, लकड़ी, किताब आदि, यानी वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश की किरण क्या हो आसानी से आर पार नहीं हो, उसे हम क्या कहेंगे अपारदर्शी पदार्थ। उसके बाद तीसरा नंबर में होता है एक और प्रकार की पदार्थ जिसको हम कहते हैं पारभासी पदार्थ, यानी वैसे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरण थोड़ा, या हम इसको बोल सकते हैं अंशतः, थोड़ा या अंशतः गुजरे, पारभाषी पदार्थ कहलाता है। जैसे जैसे घिसा हुआ कांच, तेल लगा कागज आदि, यानी वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश की किरण क्या हो, थोड़ी या अंशतः गुजरे, आर पार थोड़ा हो, उसे हम क्या कहेंगे, पारभाषी पदार्थ। जैसे क्या होता है, घिसा हुआ कांच, तेल लगा कागज। जैसे हम तेल लगे कागज पर यदि टॉर्च जलाएंगे क्या होगा, हम देखेंगे लाइट जो है, ज्यादातर लाइट इस पार से उस पार नहीं हो रही, बस थोड़ी सी लाइट का थोड़ा सा पार्ट उस तरफ जा रहा है, आगे दिखाई दे रहा। इसका मतलब क्या हुआ, वह क्या है, पारभाषी पदार्थ है। जैसे कांच को हम घिस देंगे, उसके बाद उस पर लाइट देंगे तो क्या होगा, लाइट की जो है थोड़ी सी पार्ट उस तरफ जाएगी, यानी क्या होगा, घिसा हुआ कांच पारभाषी पदार्थ होगा। चलिए हम प्रकाश का एक और गुण के बारे में जान लेते हैं। प्रॉपर्टीज क्या है, जब दो या दो से अधिक, यानी बहुत सारा या दो से अधिक प्रकाश की किरणें एक दूसरे को काटे तो वे एक दूसरे को बिना प्रभावित किए गुजर जाते हैं। यानी जब प्रकाश के बहुत सारे किरण हो या दो किरण हो, एक दूसरे को काटते हैं तो क्या होता है, बिना प्रभावित किए आगे चला जाता है। जैसे जैसे क्या है, ऐसे मान लो इधर एक किरण इधर जा रही है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दो किरण एक दूसरे को काट रही है, तो ये क्या हो रहा है, एक दूसरे को बिना प्रभावित किए आगे चला जाता है। इस किरण की डायरेक्शन इधर थी, तो अभी भी टकराने से पहले इधर और टकराने के बाद भी क्या है, इधर है, और वह भी जैसे था वैसा ही है, यानी हम क्या देख रहे हैं, एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर रहा है। जैसे मान लो ऐसे ऐसे रेज हो, तो इस पर हम डालेंगे, इसका मतलब ऐसे नहीं हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये प्रकाश का गुण है कि जब प्रकाश के दो या दो से अधिक किरण एक दूसरे को काटते हैं तो क्या होते हैं, वे एक दूसरे को बिना प्रभावित किए आगे गुजर जाते हैं। ये क्या है, गलत है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में, यानी प्रकाश का परावर्तन क्या है, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश का परावर्तन खास करके 10th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको समझना हमें जरूरी है। ये कई बार एग्जाम्स में 2 नंबर के पूछ दिए जाते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसके नियमों को लिखें, यानी प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। इस तरह के घुमा घुमा कर हमारे बिहार बोर्ड के एग्जाम्स में बार बार प्रश्न आते रहते हैं। तो सबसे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। उससे पहले हम समझते हैं कि परावर्तक सतह क्या होती है। परावर्तक सतह यानी ऐसा सतह जिस पर प्रकाश पड़ने से क्या हो, वह प्रकाश का अंशतः भाग अवशोषित करे और ज्यादातर भाग क्या हो, लौटा दे, उसे हम क्या कहेंगे, परावर्तक सतह। जिसे मान लो ये क्या है, बोर्ड है, इस पर हम टॉर्च जलाते हैं, तो टॉर्च जलाने पर क्या होगा, ये जो है इस पर लाइट पड़ेगा तो थोड़ा सा भाग एब्जॉर्ब करेगा और ज्यादातर जो लाइट का पार्ट है वो क्या होगा, रिफ्लेक्ट होके आगे चला जाएगा। यानी हम कह सकते हैं बोर्ड एक प्रकार की क्या है, परावर्तक सतह है। तो उम्मीद है आप परावर्तक सतह के बारे में समझ गए होंगे। तो अब चलते हैं हम अपने कॉन्सेप्ट की ओर कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो प्रकाश का परावर्तन, चलिए प्रकाश का परावर्तन तो समझ लेते हैं। सबसे पहले इसका डिफिनेशन देखते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह यानी रिफ्लेक्टेड सरफेस बोल सकते हैं, जब किसी परावर्तक सतह पर पड़ती है, जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह पर पड़ती है तो वह उसी माध्यम में लौट आती है जिसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी प्रकाश की किरण जब किसी परावर्तक सतह पर पड़ती है तो क्या होती है, वह उसी दिशा में लौट जाती है, यानी वह उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से वह आई थी। उसे हम इस घटना को क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे मान लेते हैं खास करके परावर्तन के बारे में इस चैप्टर में सिर्फ हम मिरर पर ही करेंगे। इसका जो प्रयोग है सिर्फ हम मिरर पर ही करेंगे, यानी दर्पण पर जिस पर अपना चेहरा देखते हैं। तो यह क्या है, एक प्रकार की प्लेन मिरर है। यह क्या है, एक प्रकार की प्लेन मिरर है। तो इस पर जब लाइट आती है, मान लो किधर से, इधर से जब इस पर लाइट गिरी और टकरा कर कहाँ जाएगी, इधर 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 क्या जाएगी, नहीं, क्या होगा, टकरा के प्रकाश इधर चली जाएगी, इधर चली जाएगी। यानी हम क्या देख रहे हैं, प्रकाश की किरण इस मिरर पर पड़ रही है, इस मिरर पर पड़ रही है, यानी टकराने के बाद वह उसी माध्यम में लौट गई जिस माध्यम से आई थी। पहले इसका माध्यम क्या था, यह, और अब क्या है, यह। यानी यह घटना क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन। चलिए हम समझ गए। और ये जो आप देख रहे हैं इसको हम कहते हैं समतल दर्पण। इसको क्या कहते हैं, समतल दर्पण। जो पीछे में ऐसे ऐसे हम कर दिए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें पीछे क्या है, सिल्वर किया हुआ है, यानी कलई किया हुआ है, पेंट किया हुआ है, जिससे क्या परावर्तक सतह की तरह व्यवहार कर रहा है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आप प्रकाश के परावर्तन को समझ गए होंगे। हमें क्या करना है, सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझना है कि हम क्या कह रहे हैं कि प्रकाश की किरण जब किसी परावर्तक सतह पर पड़ती है तो वह उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से वह आती है। यानी पहले इसका माध्यम इधर और अभी माध्यम क्या है, वही है। यह घटना क्या कहलाएगा, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। तो चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम को समझने से पहले। चलिए पहला, आपतित किरण। आपतित किरण यानी वैसे किरण जो सतह की ओर आए, यानी सतह की ओर आने वाले किरण को हम क्या कहते हैं, आपतित किरण। यहाँ सतह या परावर्तक सतह जो भी बोलो उसको हम क्या कहेंगे, आपतित किरण। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई या सरफेस है, क्या है, सरफेस है, इस पर कोई किरण इस तरह से आ रही है, इस तरह से आ रही है, यानी आने वाले किरण को क्या कहते हैं हम, आपतित किरण। यानी आपतित किरण, यह क्या है, आपतित किरण। जैसे यहाँ पर मान लो ये क्या है, एक प्रकार का सतह है, ये क्या है, सरफेस है, यहाँ पर हम लाइट दे रहे हैं, ये रेज है, यहाँ पर गिर रही है लाइट, यानी सतह की ओर आ रही है, यानी हम बोल सकते हैं यह क्या है, एक प्रकार का आपतित किरण है। उसके बाद परावर्तित किरण, वैसे किरण जो सतह से टकराकर लौट जाए, जो सतह से टकराकर लौट जाए उसे हम क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। यानी वैसे किरण जो सतह से टकराकर क्या हो, लौट जाए, यानी लौटने वाले किरण को हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरण, और आने वाले किरण को आपतित किरण। जैसे ये कोई सरफेस है, यहाँ पर किरण आ रही है और यहाँ से टकराकर इधर जा रही है, जो सतह की ओर आ रही है उसको हम क्या कहेंगे, आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे, और जो सतह से टकराकर लौट रही है उसे हम क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। उसके बाद समझ लेते हैं आपतन बिंदु। प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर आपतित हो या जिस बिंदु पर आकर गिरे, आपतन बिंदु कहलाता है। यानी प्रकाश की किरण क्या होती है, जिस सतह के जिस बिंदु पर आकर गिरे उसे हम क्या कहेंगे, आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। जैसे या कोई सरफेस है, फिर से हम एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर क्या हो रही है, ऐसे करके किरण आके इस पॉइंट पर गिर रही है, किस पॉइंट पर, इस पर, मान लेते हैं इसको क्या हम ए, यहाँ पर बोल सकते हैं ए जो है क्या है, आपतन बिंदु है। यानी सतह के जिस बिंदु पर प्रकाश आकर गिरे उसे हम क्या कहेंगे, आपतन बिंदु। चलिए उसके बाद समझते हैं अभिलंब यानी नॉर्मल जिसको बोल सकते हैं अभिलंब, यानी आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को, आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। यानी आपतन बिंदु पर जो हम लंब खींचते हैं उसको क्या कहते हैं, अभिलंब। जैसे यहाँ पर क्या है, एक सरफेस है, यहाँ पर लाइट इस तरह से आ रही है और आप समझ गए आपतन बिंदु हम किसको कहेंगे, तो सतह के जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण पड़ेगी उसे हम क्या कहेंगे, आपतन बिंदु। मान लेते हैं इसको ए, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपना मन से एक नॉर्मल खींच देते हैं इस तरह से, इसको हम क्या कहेंगे, अभिलंब। इसको हम क्या बोलते हैं, अभिलंब। और ये जो है एक प्रकार की मान लेते हैं काल्पनिक रेखा है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, डॉट 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 सिर्फ इसको लेके चलते हैं, मान लेते हैं, यानी यह क्या है, अभिलंब है। यानी आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को हम क्या कहते हैं, अभिलंब। यह आपतन बिंदु, यहाँ पर जो लंब खींचेंगे उसको हम क्या कहेंगे, अभिलंब। यहाँ पर क्या हो रहा है, सतह के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। आप जानते हैं अभिलंब मतलब क्या होता है, किसी सतह के साथ कितना कोण बनाए या किसी रेखा के साथ कितना कोण बनाए, 90 डिग्री, उसको हम क्या कहेंगे, लंब या अभिलंब। चलिए इतने हो गए, कुछ और कॉन्सेप्ट को समझते हैं। उसके बाद आपतन कोण, आपतन कोण यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट। चलिए अभिलंब यानी आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। अब हम समझते हैं परावर्तन कोण के बारे में। परावर्तन कोण, तो परावर्तन कोण क्या होती है? परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। यानी परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो एंगल बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? परावर्तन कोण यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसे मान लेते ये क्या है, एक प्रकार का सतह है कोई, ये कोई सतह है, यहाँ पर लाइट पड़ रही है और यहाँ से टकराकर इधर जा रही है, तो और क्या है, यह अभिलंब है। तो जिस प्रकार से हम आपतन कोण समझे कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बने उसको हम क्या कहेंगे? आपतन कोण। वैसे ही परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा है उसको हम क्या कहेंगे? परावर्तन कोण। आपतित किरण आपतन कोण होगा। आपतन कोण को I एवं परावर्तन कोण को R से सूचित करते हैं। यानी आपतित किरण को I से और परावर्तित किरण को आपतन कोण को I से एवं परावर्तन कोण को किससे? R से हम डिनोट करेंगे। यानी I लिखने का मतलब क्या होगा? आपतन कोण, और R लिखने का मतलब क्या होगा? परावर्तन कोण। अब हम इसका दर्शन करते हैं पिक्चर के द्वारा। चलिए एक फिगर बना रहे हैं यहाँ पर। जैसे क्या है, यह कोई सरफेस है या बोल लो प्लेन मिरर है, समतल दर्पण। चलिए यहाँ पर कोई लाइट का रेज पड़ रहा है और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके यानी टकरा के कहाँ इधर जा रहा है, तो आप जान चुके हैं कि वैसे किरण जो सतह की ओर आए उसको क्या कहते हैं? आपतित किरण। और वैसे किरण जो सतह से टकरा कर लौटे, यहाँ पर आने वाली किरण कौन है? ये है, इसको क्या कहेंगे? आपतित किरण। और टकरा कर लौट रही है ये, इसको हम क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। उसके बाद आप जानते हैं कि आपतन बिंदु किसको कहेंगे? यानी जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़े, उसे हम क्या कहेंगे? आपतन बिंदु। यहाँ पर क्या हो रहा है? आपतित किरण कहाँ पड़ रही है? यहाँ पर, यानी इसको क्या बोलेंगे हम, आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को हम क्या कहते हैं, अभिलंब। यानी इस बिंदु पर एक हम नॉर्मल खींच दिए, इसको हम क्या कहेंगे, जो सतह के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का, यानी 90 डिग्री का कोण बना रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, अभिलंब। इसको हम क्या बोलेंगे, अभिलंब। इसको आपतित किरण, इसको परावर्तित किरण और इसको अभिलंब। और इस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, इस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। और इसको हम क्या बोल सकते हैं, परावर्तक सतह, या बोल लो आप समतल दर्पण या कोई भी दर्पण। यहाँ पर हम समतल दर्पण लिए हैं, तो समतल दर्पण। तो अब जानते हैं क्या है कॉन्सेप्ट। उसके बाद आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, आपतन कोण। इसको हम क्या बोलेंगे, आपतन कोण। इसको आई से डिनोट करते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच, परावर्तित किरण ये है और अभिलंब ये है, और इसके बीच ये एंगल बन रहा है, इसको कहेंगे परावर्तन कोण, यानी कोण आर। इसको कोण आई और इसको कोण आर, यानी आपतन कोण बराबर कोण आई। या आप बोलो तो क्या सर हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, इसको ए मान लें, चलिए इसको बी, इसको ओ, इसको एन, तो आपको जो लिखना है लिख सकते हैं। तो यानी हम आपतित किरण यानी कोण आई को, आपतन कोण यानी कोण आई को इस तरह से लिख सकते हैं, ए ओ एन, यानी कोण ए ओ एन बराबर कोण ए ओ एन। उसके बाद परावर्तन कोण, परावर्तन कोण को हम क्या लिखते हैं, बोलो कोण आर। और इसको कैसे लिखेंगे, बी ओ एन, बी ओ एन। तो इसको लिखते हैं बी ओ एन, तो इसको कोण ए ओ एन और इसको कोण बी ओ एन। और आपतित किरण, आपतित किरण क्या है, आपतित किरण यहाँ पर क्या है, एओ है। एओ को हम क्या बोलेंगे, एओ सतह की ओर आ रही है, सतह की ओर आने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं, इसलिए आपतित किरण क्या होगी, एओ। उसके बाद परावर्तित किरण, परावर्तित किरण क्या है, सतह से टकराकर जो लौटने वाली किरण क्या है, ओ बी या बी ओ, जो बोलो बी ओ। उसके बाद आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, तो जिस बिंदु पर आपतित किरण गिरे उसे हम क्या बोलेंगे, उस बिंदु को आपतन बिंदु। और इसको हम यहाँ पर क्या लिखे हैं, ओ। उसके बाद अभिलंब क्या है, तो आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को क्या कहेंगे हम, अभिलंब। आप ओ एन को हम क्या बोलेंगे, अभिलंब। यानी आप बोल सकते हैं ओ एन क्या है, अभिलंब है। या इसको आप नीचे भी लिख सकते हो, यहाँ पर एन डैश, तो आप लिख सकते हो एन ओ एन डैश क्या है, अभिलंब है। अब समझते हैं हम प्रकाश के परावर्तन के नियमों के बारे में। ये जो है प्रश्न एग्जाम्स में बार बार पूछ दिए जाते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, या प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखें। तो हम समझते हैं प्रकाश के परावर्तन का नियम, प्रकाश के परावर्तन का नियम, यानी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लिख सकते हैं इसको, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो आपको हमेशा याद रखना है, ये खास करके बहुत बार पूछे जाते हैं प्रश्न कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो हमको याद रखना है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, यानी इसके दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? दो नियम हैं। हमको याद रखना है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? दो नियम हैं। अब हम चलते हैं आखिर ये नियम कौन कौन है। तो सबसे पहला लो नियम एक। तो सबसे पहला नियम कह रहा है कि आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाले गए लंब सभी क्या होते हैं? तीनों एक ही तल यानी तीनों एक ही सतह पर होते हैं। यानी आपतित किरण परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाले गए लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसका फर्स्ट लॉ क्या है? आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाले गए लंब तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। इसको हम पिक्चर के द्वारा फिर से समझेंगे। उसके बाद सेकेंड नियम कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट यह नियम है, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। आप जानते हैं कि आपतन कोण को हम क्या लिखते हैं? कोण आई, और परावर्तन कोण को कोण आर, दोनों क्या होते हैं? सेकेंड लॉ में बराबर होते हैं। तो फर्स्ट लॉ का क्या कह रहा है? आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाले गए लंब तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। उसके बाद सेकेंड लॉ में कह रहा आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं, दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो सबसे पहले हमको याद रखना है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। यह प्रश्न बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। उसके बाद दोनों नियम क्या है? तो पहला नियम आपतित किरण परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाले गए लंब क्या होते हैं? तीनों एक ही तल में होते हैं। उसके बाद सेकेंड लॉ क्या कह रहा है? आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं, अर्थात क्या होगा? कोण आई बराबर कोण आर। इसको हम पिक्चर के द्वारा देखते हैं, इसको नोट कर लेना है। फिर से एक सतह ले रहे हैं। चलिए, समतल दर्पण है, आपतित किरण परावर्तित किरण, किरण को ऐसे डिनोट करते हैं तीर चिन्ह के द्वारा, और यहाँ पर आपतन बिंदु, इसको ए मान लो, इसको बी। कोई पूछ रहे हैं हमको क्या सर हम इसको पी और क्यू नहीं मान सकते हैं? तो जी हाँ, आप पी क्यू आर या अपना नाम जो भी रखना है रख ले, क्योंकि स्टूडेंट को बार बार इस कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम हो जाती है कि हमारे टीचर क्या माने थे? ए माने थे। अब वो रट लेते हैं, हमको हमेशा ओ आपतित किरण को क्या मानना है? ए हो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपका जो मन है वो मान ले। चलिए, अगला नंबर आता है नॉर्मल का। तो नॉर्मल को हम क्या लिखेंगे? एन। तो कह रहा है फर्स्ट लॉ में क्या कह रहा है? आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाले गए लंब तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं? आपतित किरण ये है और परावर्तित किरण क्या है? ये है, और आपतन बिंदु ओ पर डाला गया लंब क्या है? एन एंड डैश है, तीनों क्या है एक ही तल पर है, तीनों क्या है ये जो सतह है तीनों एक ही सतह पर है, यानी तीनों एक ही तल पर है। तो फर्स्ट लॉ क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लम्ब तीनों क्या होते हैं एक ही तल पर होते हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं तीनों क्या है एक ही तल पर है। उसके बाद सेकेंड लॉ क्या कह रहा है, आपतन कोण यानी कोण आई और कोण आर क्या होते हैं आपस में बराबर, यानी आई बराबर आर। यानी जैसे हमारे पास आई दे दिया, आई बराबर कितना 45 डिग्री। तो हमसे पूछा गया क्या कि आपतन कोण यदि 45 डिग्री हो तो परावर्तन कोण कितना, तो याद करेंगे हम परावर्तन के नियम में क्या पढ़े थे कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होंगे, यानी जितना आई उतना आर, यानी जितना आपतन कोण उतना परावर्तन कोण। तो आपतन कोण जब 45 डिग्री तो परावर्तन कोण भी कितना होगा 45 डिग्री। या पूछ दिया जाए कि यह क्या 20 डिग्री है, यह कितना होगा तो विपरीत क्या होगा 20 डिग्री, यानी जितना आप ये लेंगे उतना ये। इसको मान लें थीटा तो ये भी क्या होगा थीटा ही होगा, इसको 2 थीटा तो ये भी 2 थीटा होगा। तो दोनों लॉ को हम समझ लिए। फर्स्ट लॉ में कह रहा था आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाले गए लम्ब क्या होंगे तीनों एक ही तल पर होंगे, तीनों एक ही सतह पर होंगे, जैसा कि यहाँ पर हम देख रहे हैं तीनों क्या है एक ही सतह पर है। उसके बाद सेकेंड लॉ कह रहा है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होंगे, जितना आपतन कोण उतना परावर्तन कोण। यदि आपतन कोण आपको 40 डिग्री है, आई बराबर कितना 40 डिग्री तो आर बराबर भी कितना होगा 40 डिग्री ही होगा। जैसे मान ले ये हमको 26.5 डिग्री दे दिया तो ये भी हमको कितना होगा 26.5 डिग्री। तो हमको परावर्तन के दोनों नियम को याद रखना है और यह भी याद रखना है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, 2 नियम हैं। अब हम समझते हैं प्रकाश के परावर्तन का प्रकार कि प्रकाश के परावर्तन के कितने प्रकार होते हैं। जैसे प्रकाश के परावर्तन का नियम समझे कि नियम कितने होते हैं 2, उसी तरह से प्रकाश के परावर्तन का भी क्या है टाइप्स है, ये कितने प्रकार के होते हैं तो ये भी क्या होते हैं 2 ही प्रकार के होते हैं। प्रकाश के परावर्तन का प्रकार, प्रकाश के परावर्तन का प्रकार ये कितने प्रकार के होते हैं तो इसके 2 प्रकार हैं। पहला लेते हैं तो पहला में नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन और सेकेंड में क्या होगा बस इसका उल्टा जाना है, यहाँ पर और लगा दो क्या होगा अनियमित परावर्तन। यानी प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है 2 नियम, पहला नियमित परावर्तन और दूसरा अनियमित परावर्तन। देखने से हमको पता चल रहा है नियमित परावर्तन में क्या होगा प्रकाश का वैसा परावर्तन जिसमें क्या हो आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों क्या हो जितने भी रेज आ रही है और टकराकर लौट रही है सभी क्या हो एक दूसरे में क्या हो समांतर हो। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं यह सतह है, यहाँ पर एक रेज आई ऐसे, सेकेंड ऐसे ऐसे, इस तरह से और आगे और आगे। हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं पहला यहाँ पर क्या है आपतित किरण है और ये क्या है परावर्तित किरण है। हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जितने भी आपतित किरण हैं जैसे मान लो 1 2 3 4 5, यहाँ पर कितने हैं 5 आपतित किरण है, 5 एक दूसरे के क्या है पैरेलल है यानी समांतर है। और यहाँ पर परावर्तित किरण भी क्या है एक दूसरे के समांतर है, यानी प्रकाश का ऐसा परावर्तन जिसमें सभी आपतित किरण और सभी परावर्तित किरण क्या हो एक दूसरे में क्या हो समांतर हो, एक दूसरे में क्या हो समांतर हो। सभी आपतित किरण क्या है एक दूसरे के समांतर है और सभी परावर्तित किरण क्या है एक दूसरे के समांतर हैं, इसको हम क्या कहेंगे, नियमित परावर्तन। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर जो परावर्तन हो रहा है नियमित रूप से हो रहा है, क्रमित रूप से हो रहा, क्रम से मतलब लेवल में जा रहा है, पहले ये और ये पैरेलल तो ये भी पैरेलल, और इसका उल्टा है अनियमित परावर्तन, यानी जिसमें आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों में से कोई एक दूसरे में क्या हो, पैरेलल नहीं हो, यानी दोनों में से कोई भी एक दूसरे में समांतर नहीं हो। जैसे यहाँ पर हम ऐसा सतह बना लेते हैं, चलिए कोई सतह है, ऐसे लाइट आई यहाँ पर तो यहाँ पर ऐसे 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 ऐसे, तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और परावर्तित किरण। हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ना ही आपतित किरण एक दूसरे में पैरेलल है और ना ही परावर्तित किरण एक दूसरे में पैरेलल है। यानी जब ऐसा केस हो तो हम उसको क्या कहेंगे, अनियमित परावर्तन। जब आपतित किरण भी समांतर हो और परावर्तित किरण भी क्या हो, एक दूसरे में समांतर हो, उसको हम क्या कहेंगे, नियमित परावर्तन। और आपतित किरण भी ना समांतर हो और ना ही क्या हो, परावर्तित किरण समांतर हो, उसको हम क्या कहेंगे, अनियमित परावर्तन। यानी यह नियमित परावर्तन है और यह अनियमित परावर्तन है। नियमित परावर्तन जो होता है चिकना सतह पर होता है, क्या होता है, चिकना सतह पर। यह क्या है, नियमित परावर्तन होने के लिए सतह कैसा होना चाहिए, चिकना, प्योरली क्या होना चाहिए, प्लेन। और अनियमित परावर्तन किस पर होता है, रुखड़ा सतह पर, रुखड़ा सतह पर, और यह किस पर होगा, चिकना सतह पर। हम यहाँ क्या देख रहे हैं, ये जो सरफेस है क्या प्योरली चिकना है और यहाँ पर क्या है, रुखड़ा है। ऐसे वैसे जैसे हमारे पास जैसे नदी में वाटर देखते हैं, जल जो है उस पर क्या होता है, यदि कोई हवा नहीं चल रही हो तो जल का सतह इस तरह से, सभी सतह इक्वल होते हैं, सभी पॉइंट्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सतह चिकना है, तो तब जो परावर्तन होगा इस तरह से होगा, यानी नियमित परावर्तन होगा। यदि हवा चलने लगा तो क्या होगा, जल का सतह इस तरह से होगा, तो परावर्तन भी क्या होगा, अनियमित होगा। तो नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन आप समझ गए होंगे। तो याद रखना है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने प्रकार हैं, तो इसके भी दो प्रकार हैं। इसके प्रकाश के परावर्तन के नियम भी दो हैं और इसके प्रकार भी कितने हैं, दो ही हैं। चलिए उसके बाद कह रहा है एक और कॉन्सेप्ट कि हम किसी भी सतह पर प्रकाश का परावर्तन मतलब देख सकते हैं। जैसे ये नहीं कि हम सिर्फ मिरर ही लें या चिकना सतह ही लें। जैसे यहाँ पर है प्रकाश का क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है, क्या हो रहा है, प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। जब ऐसा सतह हो तब हमें ऐसा लाइट आए, यहाँ पर आए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जब चिकना सतह हो तो हमें सतह मिल जाएगी, लेयर मिल रहा है, लेकिन सतह क्या है, रुखड़ा है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, अपना मन से एक काल्पनिक सतह खींच देते हैं। यानी जैसे इस पॉइंट पर आ रही है तो यहाँ पर से हम क्या करेंगे, एक सतह काल्पनिक यानी डैश लाइन से खींच देंगे। उसके बाद एक चीज और याद रखनी है कि प्रकाश के किरण जब एक दूसरे को काटते हैं तो इस बिंदु को हम क्या कहते हैं, कटान बिंदु। इस बिंदु को हम क्या कहते हैं, कटान बिंदु, जो हमें आगे काम आएगी। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब हम प्रकाश किरण के एक और प्रकृति के बारे में समझेंगे, जिसको हम कहते हैं प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता। समझते हैं यह कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि मान लो कोई रिफ्लेक्टेड सरफेस है, इस तरह से लाइट रेस इस पर पड़ रही है, इसको कहते हैं आपतित किरण और इसको परावर्तित किरण। जब हम इसकी डायरेक्शन बदल दें, जब इसकी डायरेक्शन बदल देंगे तो क्या होगा, अब यह क्या बन जाएगा, आपतित किरण और यह परावर्तित किरण। हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, दोनों में बस डायरेक्शन का डिफरेंस है, किरण का दिशा क्या है। इसमें किरण पड़ रही थी इधर वाले और इधर वाले टकराकर लौट रही थी, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इधर वाले किरण टकराकर लौट रही है और इधर वाली किरण पड़ रही है। इसी को हम कहते हैं प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता, यानी प्रकाश किरण क्या हो, लेफ्ट राइट या राइट लेफ्ट में हो, यानी बोल सकते हैं ये जो उत्क्रमणीयता का प्रोसेस है क्या होता है, जैसे इसको बोल रहे थे आपतित किरण और इसको परावर्तित किरण, तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, इसको आपतित किरण और इसको परावर्तित किरण। ये नहीं हमको रट लेना है कि जो इधर होगा जो इधर है इसको क्या बोलते हैं आपतित किरण, हमेशा यही नहीं हो सकता, और इसको क्या बोलते हैं परावर्तित किरण। हमें देखना है कि रेज की डायरेक्शन किधर है, यदि रेज की डायरेक्शन इधर है इसको बोलेंगे आपतित किरण और जो बाहर की ओर जा रही है उसको परावर्तित किरण, और इसमें क्या देख रहे हैं रेज की डायरेक्शन इधर है तो अब आपतित किरण क्या होगी, ये नहीं, क्या होगी, ये होगी, और परावर्तित किरण क्या होगी, ये होगी। इसी को हम कहते हैं प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सारे टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे। यदि फिर भी आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मैं कोई भी नया अपडेट लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे।